हेडक्वार्टर के अंदर कैसे घुस सकते हैं? हेडक्वार्टर अभी विजुअल हेडक्वार्टर के अंदर से राइट टू प्लेस डाउन पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ता सर सर यू आर इंटीमेट यू आर इंटीमेट हेलो हेलो सर अंडर विच लॉ डिड यू चेस डाउन द कार्यकर्ता पत्रकारों ने सर सर अंदर के रिश्ता से काम करेंगे बात कर रही है सर हमें दलाली मत करिए अलका जी एक उधर आइए कौन है कौन है जा रहे हैं बैठाए 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 बैठाइए इनको चलिए कैप्टन अजय सिंह यादव जी हमारे साथ है ऑफिसर मेरा अधिकार है मेरा ऑफिसर क्या मत कहना क्या बैठ 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 उम्मीद धीरे बोल डिटेन कर ये तो अच्छी हूँ समझ गया ये मत समझना कोई यूं ही हूँ मैं तू भी अपना तू सही रहा कपड़ा पानी भाई ये तो मंशी हो समझ गया आज फिर तुम हो ही काम ऐसे कर रहे हो काम ऐसे कर रहे हो ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है क्या हुआ मैं ओबीसी का चेयरमैन हूँ और मैं अपने दफ्तर में जा रहा हूँ और ये लोग और मुझे इनके पास इनके पास है इनके पास दिखा नहीं रहे अकेला जा रहा हूँ मैं अकेला और एक ना 144 में 3 से ज्यादा ऊपर आदमी होते हैं मैं अकेला हूँ और आपको बोला क्या कह रहे हैं सर ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई लिखित में नहीं है मैं कभी लिखित में दिखा दूं इनके पास कोई लिखित में नहीं है और ये कह रहे हैं इनको चलो चलो अरे मैं 6 बार एमएलए रह लिया मेरा बाप एमएलए रहा मेरा बेटा एमएलए है मैं इसकी बाप की उम्र का हूँ और ये मेरे को ऐसी बात कर रहा है खाली रोका ही नहीं जा रहा है जेब किया जा रहा है मेरे साथ और कह रहा है इसको बैठाओ बैठाओ इसको अंदर देखो ऐसे बात करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं मेरे साथ अगर ये हाल है तो आम जनता का हाल क्या होगा अब ये सोच सकते हैं तो आगे क्यों नहीं जाने दिए जा रहा है अब पता नहीं ये जाने इनका काम जाने अरे मैं डरने वाला नहीं यदि वंशी हूँ मैं मेरा क्या बिगाड़ देंगे अरे हमने महाभारत देखी हमने हमारे पुरखों ने क्या हो देखिए ये तस्वीरें देखिए पूर्व में मंत्री इस देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। दिल्ली में किसी भी राजस्थान के लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है और आज तो हद हो गई। जब हम लोग दिल्ली आ रहे थे तो हमें बॉर्डर के ऊपर रोक करके ये कहा कि आपके लिए आपातकाल है, हम रात से बैठे हैं
और इस बसंत कुंज पुलिस ने हमें रोक करके गाड़ियों में अपने साथ लेकर के और यहां पर बसंत कुंज थाने के पास में अज्ञात स्थान के ऊपर हमको पुलिस पहरे में रख रखा है। ऐसे ही निर्दयी सरकार ये अंग्रेजों से भी ज्यादा जो जुल्म कर रही है इसका खात्मा जरूरी है। मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि ऐसे जुल्मियों को सत्ता से 2024 में हटाना है। राहुल गांधी न डरे हैं न घबराए हैं, सत्य हमेशा जीता है और इनका भाजपा का और मोदी का षड्यंत्र हारेगा, निश्चित रूप से हारेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस।